ब्लॉगिंग हो चाहे वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखना हो, इन सब में सक्सेस पाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर ओरिजिनल और यूनिक कंटेंट होता है, जिसे बनाए रख पाना आसान तो नहीं होता है। लेकिन जो ब्लॉगर्स और कंटेंट राइटर्स कंटेंट की वैल्यू को समझते हैं, वो अपने कंटेंट को फ्रेश, न्यू और यूनिक बना ही लेते हैं। लेकिन कैसे? उन्हें ऐसा क्या पता होता है जो उन्हें सक्सेस दिलाता है, और किन बातों को ध्यान में रखकर कंटेंट लिखा जाना चाहिए जिससे वो यूनिक रहे, सबसे अलग, ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट हो? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं यूनिक कंटेंट लिखने के 9 टिप्स। नंबर 1 है, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए लिखिए। कई बार ब्लॉगर्स उन टॉपिक्स को चूज कर लेते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, बट बाकी सारे ब्लॉगर्स उन्हीं पर लिख रहे होते हैं। ऐसे में वो सोच नहीं पाते कि ये जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही करें। और अगर आपको ऐसा करना जरूरी भी लगता हो, तो आपको टॉपिक को थोड़ा ट्विस्ट देना आना चाहिए, टॉपिक की थीम में चेंज करना आना चाहिए, और फिर आपका स्टाइल भी बाकी ब्लॉगर्स से एकदम अलग और खास होना चाहिए, तभी आप यूनिक कंटेंट लिख सकते हैं। और अगर ऐसा कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप उन टॉपिक्स पर लिखने की बजाय ऐसे टॉपिक्स पर लिखिए जो आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरी टिप है, इंस्पिरेशन को फॉलो करें। अगर आप कुर्सी टेबल पर बैठे बैठे लैपटॉप में कंटेंट सर्च कर करके लिखते आ रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आप बोरियत महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ नया बचेगा ही नहीं, और वही आपके आर्टिकल और ब्लॉग में भी दिखाई देगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने दायरे को बढ़ाएं, अपने कमरे से बाहर, घर से बाहर, अपने आसपास, हर जगह से, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते जाएं। इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप बच्चों से, बड़ों से, पक्षियों से, पहाड़ों से, सबसे कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। इसीलिए अपने सीमित दायरे से बाहर निकलिए, और हर जगह आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी जो आपके आर्टिकल को यूनिक बनाएगी। तो अब से हर जगह, हर इंसान में, हर उस नए प्लेस में कहानियां ढूंढने की कोशिश करें, ऑब्जर्वेशन पावर पर थोड़ा सा गौर फरमाना शुरू करें। नंबर 3 पर है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करें। सबका पर्सनल एक्सपीरियंस एक ही मैटर पर अलग अलग होता है, ऐसे में अपने आर्टिकल को थोड़ा पर्सनल टच देकर आप बड़ी आसानी से उसे यूनिक बना सकते हैं। इसीलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स के अंदर उलझिए मत, आप उस बारे में क्या सोचते हैं ये भी अपनी ऑडियंस से जरूर शेयर करें। नंबर 4 पर आता है, प्रॉब्लम्स की सलूशन लाइए। अगर आप यूनिक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो अपने रीडर्स की प्रॉब्लम का पता लगाइए और अपनी राइटिंग के जरिए उन प्रॉब्लम्स के सलूशंस दीजिए। अगर आप उनकी प्रॉब्लम के सलूशंस सबसे पहले दे पाएंगे, तो वो आपसे जुड़े रहेंगे और आपके इस एफर्ट को अप्रिशिएट भी करेंगे, और ये एक ब्लॉगर और कॉन्टेंट राइटर के तौर पर आपकी यूनिकनेस होगी। नंबर 5 पर है, डीप रिसर्च करें। किसी भी टॉपिक पर लिखने से पहले अगर आप उस पर अच्छा खासा रिसर्च करेंगे, यानी उससे जुड़े हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे जो एकदम यूनिक होगा और उस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सारे सवालों के जवाब भी देता होगा। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाकर मोती निकाल लाना, इसीलिए इसे एक बार आजमाइएगा जरूर। नंबर 6 पर है, एक से ज्यादा रिसोर्सेज की हेल्प लीजिए। अपने कंटेंट में यूनिकनेस रखने के लिए और अपने रीडर्स को बेस्ट कंटेंट देने के लिए आप केवल एक रिसोर्स पर ही डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि जितने रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं लीजिए। ऐसा करने से आपके पास एक ही टॉपिक को प्रेजेंट करने के बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज और स्टाइल्स भी आ जाएंगे, जिसके बाद आप इसमें अपना स्टाइल और पर्सनल टच ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एकदम यूनिक कंटेंट। नंबर 7 पर है, लैंग्वेज को सिंपल रखें। कई बार हम यूनिक का मतलब सबसे अलग और कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं, और इस चक्कर में आर्टिकल की लैंग्वेज इतनी टफ बना देते हैं कि उसे समझना मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम सिंपल और आसान भाषा यूज करनी है जिसका टोन फ्रेंडली हो, और आपका आर्टिकल फॉर्मेट इतना सिंपल हो कि उसमें कलरफुल हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और छोटे छोटे पैराग्राफ्स में समझना ना केवल आसान लगे, बल्कि उसे पढ़ने का भी मन करे। ध्यान रखिए कि ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आगे नंबर 8 पर है, स्पेसिफिक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करें। मान लीजिए कि आपका कंटेंट तो बहुत यूनिक है, लेकिन उस तक ज्यादा रीडर्स की पहुंच नहीं बनी, तो ऐसे में आपको अपने कीवर्ड्स पर भी ध्यान देना होगा। आपको टाइटल में स्पेसिफिक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करना होगा, ताकि रीडर्स आपके आर्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो सके। रीडर्स को आपके आर्टिकल और ब्लॉग की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने आर्टिकल्स में अपीलिंग इमेजेस भी यूज करनी होगी, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज रीडर्स को अट्रैक्ट भी कर सकती है और डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। और लास्ट में नंबर 9 पर है, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आर्टिकल को यूनिक तभी बनाया जा सकता है जब उसमें हर बात को अलग तरह से, अलग शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया हो,
और ये सब करने के लिए आपको अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते रहना चाहिए। आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि आपको नए वर्ड्स, नए एक्सप्रेशंस और नई फील मिल सके, जिन्हें आप अपने आर्टिकल में प्रेजेंट कर सके। इसके अलावा आपको अपने ब्लॉग के नीश के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ ही लेकर जाएगी और आप यही चाहते भी हैं, राइट? तो दोस्तों, इस तरीके से इन 9 टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने आर्टिकल और ब्लॉग को लिख सकते हैं, जिसमें कंटेंट पर तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ उसकी प्रेजेंटेशन को भी बेहतर बनाए रखना है। और इस वीडियो ने आपकी अगर हेल्प की है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करने के साथ साथ आपको इसे शेयर भी करना है, ताकि जो लोग इस एरिया में सोच रहे हैं राइटिंग के बारे में, उन्हें इसमें हेल्प मिले, राइट? और अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को, यानी कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे टाइम टाइम पर। धन्यवाद।